अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। माय नेम इज आशा सिद्दीका एंड वी आर डूइंग टर्मिनोलॉजीज ऑफ DSM-5। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, अ नियरली कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ एक्सेलरेटेड स्पीच विद अपरेट चेंजेस फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक दैट आर यूजुअली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडेबल एसोसिएशंस, डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुली और प्लेज ऑन वर्ड्स व्हेन द कंडीशन इज वेयर स्पीच में बी डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इनकोहेरेंट। जब हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं, जब हम बायपोलर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, और भी और मैं खैर कोई डिसऑर्डर नहीं है लेकिन मे बी सिम्टम्स हो सकते हैं एज अ, उसमें हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ की बात करते हैं और वो पेशेंट्स अक्सर बोली जाते हैं एक चीज़ से वो दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरी चीज़ से वो तीसरे टॉपिक पे चले जाते हैं और वो मुसलसल बोल रहे होते हैं। और वो आप जो स्किज़ोफ्रेनिक्स होंगे, जाहिर सी बात है वो फिर बातें डिल्यूजनल भी करेंगे, और डिल्यूजनल हमें ऐसे पता चलेगा जब वो फॉल्स बिलीव में बेस कर रही होगी। लेकिन अगर वो बात जो सी है वो इन रियल बेस कर रही है, क्योंकि बायपोलर के जो से पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर अपने पास्ट की सारी बात करते हैं और अपने पास्ट को वो दोबारा से ऐसे हर्फ ब हर्फ बताएंगे जैसे वो हुआ है। लेकिन हाँ, ये तो हम सब जान देंगे, हमें कोई भी चीज़ हर्फ ब हर्फ याद नहीं रहती। वो जो हम हर्फ ब हर्फ स्टोरी सुनाते हैं वो कंप्लीट परफेक्ट स्टोरी मेडिड होती है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज काम हुआ होता है। तो वही चीज़ होती है इन लोगों के भी तो, लेकिन ये लोग काफ़ी रियलिटी बेस्ड, उसका कोई ना कहीं कुछ ना कुछ ताल्लुक रियलिटी से होता है, ठीक है, वही स्टोरीज ये लोग सुनाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ की, तो जाहिर सी बात है इनको जो स्टिमुलस, मतलब कि जो भी अपने इर्द गिर्द नज़र आएगा उसके इर्द गिर्द कोई भी स्टोरी होगी तो वो या तो ये लोग घर लेंगे या फिर ये लोग सुना लेंगे उससे एसोसिएटेड, ठीक है। और प्ले ऑन वर्ड्स, हाँ ये लफ्ज़ों का खेल बहुत खेलते हैं कि किसी भी वर्ड की कोई भी कहानी बनाते हैं। लाइक एक पेशेंट था, उससे पूछा उसकी डॉक्टर ने, दूसरे साइकेट्रिस्ट ने, कि अच्छा आपका मिजाज कैसा है, कहते मेरा मिजाज तो पानी पीने गया, वापस आता तो बताता है। इस तरह कि वो आपके वर्ड्स के साथ भी खेल लें, आपके साथ वर्ड गेम भी खेल लेंगे, मजाक वगैरह भी कर लेंगे। कि लास्ट टाइम जो मैं बायपोलर से एक टेस्ट असेसमेंट करवाई थी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मुझे कहता अच्छा आपने इतनी असेसमेंट करवाई है, अब आप मुझे मेरा इतना दिमाग खाया है, इतना मुझसे काम करा लिया आपने, चलिए फिर आप अब मुझे कुछ देना, आप मैंने आपका काम किया तो आप मुझे कुछ पैसे वगैरह दें, कोई सोक वगैरह दे देना, आपने मेरा मक्स खाया तो मैं जाके किसी बकरी का मक्स खा लूँ। तो फिर मैं उसकी ना हिस्ट्री थी कि वो लोगों को काफ़ी पैसे देता था, फजूल में लोगों को अपनी शॉप में जॉब्स दे जाता था। तो फिर मैंने उसको वही काम है कि पैसे तो आप बांटते फिरते हैं, तो मैं आप मुझसे कैसे मांग रहे हैं, आपका तो अल्लाह ने देने वाला हाथ दिया है तो आप वो देने वाले ही रखें, लेने वाला नहीं। कि इस तरह वो, तो फिर मैंने उसको वही काम है कि पैसे तो आप बांटते फिरते हैं, तो मैं आप मुझसे कैसे मांग रहे हैं, आपका तो अल्लाह ने देने वाला हाथ दिया है तो आप वो देने वाले ही रखें, लेने वाला नहीं। कि इस तरह वो लोग अपनी वर्ड गेम्स से वो गेम्स निकालते हैं, लफ्ज़ों से खेलते हैं। तो ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज और डिल्यूजनल में फ़र्क बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसकी अभी स्पीच काफ़ी इंटैक्ट थी, ठीक है, जब ये सीवियरिटी में जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया बायपोलर, उन लोगों की स्पीच इनकोहेरेंट हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, किसी के बारे में बात करते हुए बहुत प्यार मोहब्बत से गालियों में आ जाते हैं और गालियों में बात किसी और को गालियाँ दे रही होती है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी मुहतात रहना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, ऑल्सो मैंने काफ़ी कहानियाँ करी हैं इसमें मैंने भी फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ ही यूज़ किया, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए। आई होप कि आप समझ आए हो। टेक केयर, और सब्सक्राइब ज़रूरी है, ज़रूर करके जाना है अब तो। अल्लाह हाफिज़।